नमस्कार, पटना खबर में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजधानी पटना की फटाफट 11 ताजा तरीन खबरें। पटना नगर निगम के सफाई कर्मी फिर से करेंगे हड़ताल। आने वाले 2-3 दिनों के बाद पटना नगर निगम के कई क्षेत्र गंदे दिख सकते हैं और सड़कों पर कूड़े कचरों का अंबार दिख सकता है, क्योंकि नगर निगम के करीब 4300 सफाई कर्मी 25 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। दरअसल मामला वेतन से जुड़ा है। इन सफाई कर्मियों ने अपना न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए फिक्स करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, मगर निगम प्रशासन की तरफ से उनके दैनिक वेतन में मात्र 50 रुपए की वृद्धि की गई है, जिससे ये नाराज हैं। इन सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि 24 फरवरी को इनके द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा और मांगे पूरी नहीं होने पर 25 फरवरी 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगा। पटना में कोरोना के 25 नए मामले मिले। बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में कुल 1,38,278 सैंपलों की जांच हुई है, जिसके आधार पर पटना में 25 नए संक्रमितों की पहचान हुई। इसके साथ ही पटना में कुल एक्टिव केस 183 हो गए हैं। बात अगर करें बिहार की, तो इस दौरान 90 नए केसों के साथ बिहार में कुल एक्टिव केस 507 हो गए। पटना में जालसाजों ने खड़ी कर दी बेल्ट्रॉन से मिलती जुलती वेबसाइट। अगर आप भी बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर नौकरी की वैकेंसी देख रहे हैं, तो एक बार लिंक जरूर वेरीफाई कर ले, क्योंकि ठगबाज इसकी फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को बेल्ट्रॉन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। इस मामले में बेल्ट्रॉन की परियोजना पदाधिकारी जाहिद लतीफ की ओर से शास्त्री नगर में अज्ञात शातिरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही लोगों से ऐसी फर्जी वेबसाइट से बचने और जालसाजों के झांसे में ना आने की अपील भी की गई। आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन की मूल वेबसाइट besedc.bihar.gov.in है, जबकि शातिरों द्वारा बनाई गई फर्जी वेबसाइट besedc.bihar.gov.co.in है और ये मूल वेबसाइट से मिलती जुलती लगती है। अब उत्पाद न्यायालय में होगी शराब संबंधी मामलों की सुनवाई। पटना हाई कोर्ट पर दबाव बढ़ने के कारण अब शराबबंदी कानून के तहत आने वाले न्यायिक मामलों की सुनवाई उत्पाद न्यायालयों में होगी। इस स्पेशल न्यायालय को केवल शराब से जुड़े मामलों को देखने के लिए तैयार किया जाने वाला है। इसे लेकर पटना हाई कोर्ट ने सरकार से इनकी आधारभूत संरचना के संबंध में जानकारी मांगी, जिसके बाद सरकार की तरफ से बताया गया कि जल्द ही इनके भवनों को तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल 74 उत्पाद न्यायालयों के लिए जजों की बहाली हो चुकी है और 666 सहायक कर्मचारियों की बहाली के लिए स्वीकृति दे दी गई है। पटना के IGIMS अस्पताल में बदली OPD रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। अगर आप भी पटना स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल IGIMS के OPD में इलाज करवाना चाह रहे हैं, तो यह खबर जान ले। अब यहां OPD रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बदल चुकी है और पहले से आसान हो गई है, जिसके तहत यहां आने वाले मरीज काउंटर से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक बात और बता दें कि कोविड के कारण फिलहाल यहां पर विभाग में प्रतिदिन 100 मरीजों का ही चेकअप किया जा रहा है और इसमें भी 50% मरीजों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बाकी के 50 मरीजों का काउंटर रजिस्ट्रेशन ही किया जा रहा है। फुलवारी शरीफ में बड़े पैमाने पर देशी शराब के कारोबार का हुआ भंडाफोड़। पटना के फुलवारी शरीफ में बीते दिन बड़े पैमाने पर देसी शराब का निर्माण करने वाले कारोबार का भंडाफोड़ हुआ। यह कारोबार गोविंदपुर और कुरकुरी मुसहरी में काफी बड़े पैमाने पर चल रहा था, जिसे देख पुलिस भी हैरान रह गए। पुलिस छापेमारी टीम ने देशी महुआ से बने हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस कारोबार में स्थानीय पुलिस की मिलीभगत होने की बात भी कही जा रही है। फिर से गंगा आरती का लुत्फ उठा सकेंगे पटनावासी। गंगा के किनारे बसे शहर पटना में प्रमुख घाट गांधी घाट की शाम एक बार फिर से घंटियों और मंत्रोच्चार से मनमोहक बनेगी। जी हां, राजधानी में कोविड केस कम होने के बाद अब पुरानी सुविधाएं बहाल की जा रही है, जिसमें एक नाम गंगा आरती का भी जुड़ गया है। पटना DM के आदेशानुसार अब हर शनिवार और रविवार की शाम गंगा महाआरती का आयोजन होगा। यह गंगा आरती पहले भी गांधी घाट पर होती आई है, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पटना घूमने आए दूसरे शहरों के लोग भी भाग लेते हैं। ऐसे में अब आप हर शनिवार और रविवार को गांधी घाट पर गंगा महाआरती होने तक मौजूद रह सकते हैं।
पटना के 4 अस्पतालों में होगी एक खास विषय पर स्टडी। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मानव स्वास्थ्य को लेकर एक खास तरह के अध्ययन किया जाना है, जिसकी जिम्मेदारी प्रारंभिक तौर पर पटना के 4 अस्पतालों को दी गई है। इसके तहत पटना एम्स, IGIMS, PMCH और NMCH में यह खास तरह का शोध होगा। इस स्टडी के तहत जलवायु परिवर्तन यानी कि औसत से ज्यादा गर्मी, बारिश या ठंड होने से मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन किया जाएगा और फिर उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। पटना का गांधी मैदान में बिहार दिवस पर भव्य कार्यक्रम होगा आयोजित। कोरोना के कारण बीते 2 सालों से बिहार दिवस की रौनक बुझी थी, मगर इस साल ये रौनक खिलने वाली है, क्योंकि शिक्षा विभाग की तरफ से अगले महीने 22 मार्च को बिहार दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर पटना के गांधी मैदान में होगा। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम को लेकर सीएम नीतीश कुमार की सहमति भी मिल गई है। पटना यूनिवर्सिटी में बनेगा 13 मंजिला नया एकेडमिक ब्लॉक। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों को जल्द ही खूबसूरत क्लासरूम और एकेडमिक ब्लॉक मिल पाएंगे, क्योंकि यहां बनने वाले 13 मंजिला नए एकेडमिक भवन के निर्माण के लिए राशि को मंजूरी दे दी गई है। इसका निर्माण करीब 89.45 करोड़ रुपए से होगा। वहीं योजना के क्रियान्वयन के लिए भी सरकार ने 30 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर लिया है। आपको बताते चले कि नया भवन कृष्ण घाट के पास 4 एकड़ की जमीन पर तैयार होगा। 13 मंजिल के इस एकेडमिक ब्लॉक में सभी 30 PG विभाग को शिफ्ट किया जाएगा। अब जानते हैं पटना में आज सोने, चांदी और पेट्रोल के क्या है भाव। प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत आज पटना में 50,350 रुपए रहने वाली है, जबकि प्रति 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 46,150 रुपए रहने वाला है। वहीं चांदी के भाव रुपए प्रति किलोग्राम 64,400 रुपए है। साथ ही पटना में पेट्रोल 106.44 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.59 रुपए प्रति लीटर बिक रहे हैं। बात अगर शहर के तापमान की करें तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री व अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आज का सवाल है कि पटना में आपको सबसे अच्छी घूमने की जगह कौन लगती है। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। राजधानी की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।